नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आरोग्य भारत के तहत हम आपको किशोरी सेवा धाम वृंदावन से आपकी सेवा में हैं। YouTube के माध्यम से हम आयुर्वेद के बहुत सारे नुस्खे आप तक पहुंचाते हैं। हमारे सामने भी पूरे भारत से मरीज आते हैं, तो डॉक्टरों की टीम हम मिलकर सब सेवा करते हैं और लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं प्रकृति के साथ आप जिए। तो अभी ग्रीष्म ऋतु है, मैं बहुत ज्यादा मौसम के हिसाब से ही फल भोगता हूँ, अन्न भोगता हूँ, प्रकृति का आनंद लेता हूँ, तो स्वास्थ्य मेरा अच्छा रहता है, आपको भी अच्छा रखना है, ऐसी सोच के साथ। आज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जीवन में तरबूजा बोले तो कलिंगड़ जो आता है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग फायदे होते हैं जीवन में। वैसे 12 महीना भी लोग उसे पाते हैं, खाते हैं, पर नहीं, सबसे ज्यादा वो तरबूजा फायदा करता है गर्मियों में। तरबूजा तो गर्मियों के समय ही वो आता है, आप जानते होंगे। अभी जो है बेल बढ़ रही है, थोड़े दिनों के बाद फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, तो अप्रैल के लास्ट में नेचुरल तरबूजा खेत से आना शुरू हो जाता है, खरबूजा, तरबूजा, और उनके लाभ अलग अलग मिलते हैं। तरबूजे के अनेक फल, अनेक परिणाम है, अनेक लाभ है, पर फिर भी मैं आपको कम से कम तरबूजे के 10 फायदे बताना चाहता हूँ। तरबूजे का पहला फायदा जीवन में यह है कि वो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। दूसरा फायदा यह है कि वो हमारे लीवर को अच्छा करता है, तरबूजा। तीसरा फायदा यह है कि वो बॉडी के संपूर्ण केमिकल को प्यूरिफाई करता है, क्लियर करता है, फिल्टर करता है। चौथा फायदा तरबूजे का यह है कि हमारी बॉडी में घटते हुए ग्लूकोज को बढ़ाता है, नेचुरल ग्लूकोज। पांचवा फायदा यह है तरबूजे का कि उससे आदमी को उल्टी, डायरिया, ये सब नहीं होता है। छठवां फायदा तरबूजे का यह है कि वो आपकी भूख बुझाता है। सातवां फायदा यह है कि आपके खून को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, आपके B12 बढ़ाता है। और आठवां फायदा तरबूजे का यह है कि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाता है। नौवां फायदा तरबूजे का यह है कि आपके पेट को साफ रखता है। और दसवां फायदा तरबूजे का यह है, ताकत प्रदान करता है, आपकी इम्यूनिटी को ताकत देता है। ये 10 फायदे तरबूजे के आपके जीवन। गर्मियों में ये तरबूजा इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि बॉडी में इन 10 चीजों की कमी आ जाती है। गर्मी में भोजन भूख कम लगती है, तरबूजा भूख बढ़ा देता है, लीवर को अच्छा करता है, और तरबूजा से गर्मी नहीं लगती है, तरबूजा बॉडी को ठंडा रखता है, तरबूजा खून बढ़ाता है। ये सारे फायदे मैंने बताए हैं। तो तरबूजा हमारे जीवन के लिए अमृत के समान काम करता है, पर वो प्राकृतिक चाहिए, नहीं कि मौसम का ही चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ तरबूजा 6 महीने का, उसके गुण खराब हो जाते हैं क्योंकि वो -डिग्री में रहता है, तो वो कुछ काम का नहीं बचता है। तो प्राकृतिक जो आनंद है वो, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि तरबूजा कभी भी धूप में टूटा हुआ ना ले। तरबूजा हमेशा, तरबूजे को सुबह खाना चाहिए खाली पेट, सूर्य उदय से पहले तरबूजा जो खा लेता है, कलिंगड़ जो खा लेता है, पूरे दिन भर वो प्रत्येक रोग से लड़ सकता है जो गर्मी से होने वाले हैं। पर वही तरबूजा जब आप तपती धूप में खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, वो तरबूजा ठीक नहीं। तो हमेशा तरबूजा खाना चाहिए। आप खरीद के लाइए तरबूजे को, ला करके पानी में रखिए, उसे 4 से 5 घंटे अंदर और बाहर दोनों तरह का तापमान उसका 1 कीजिए, और उसके बाद उसे खाइए, फिर देखिए आपके ऊपर तरबूजे का कमाल। ऐसी भूख लगेगी, ऐसा पेट साफ होगा, ऐसा ग्लो आएगा। मैं तो कहता हूँ ये 4 महीने तरबूजे मिलता है, तो पूरे 4 महीने आप तरबूजा खाइए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए। और तरबूजे के 10 फायदे बताए हैं, अगर मैं और चाहूँ तो और भी इसके 10 फायदे 20 फायदे बता सकता हूँ। तरबूजे में क्या है, वो तो इतने फायदेमंद है कि आप जिधर भी उसके फायदे बताओ उतने फायदे उसके होते हैं। तरबूजा खाने से मोटापा कम होता है, पेट कम होता है, तरबूजा खाने से फैट कम होता है, तरबूजा खाने से इतने सारे फायदे तरबूजे के हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप तरबूजा लाइए और ताजा प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उसको खाइए, या दिन में कभी खाना है तो लाकर उसे फल को पानी में गलाइए, थोड़ी देर रखिए, फिर काटिए, हल्का ठंडा होने दीजिए, फिर खाइए, और कोशिश कीजिए कि हल्का नमक छिड़क लिया जाए सैदा, तो तरबूजे का और प्रभाव बढ़ जाता है, और तत्व बढ़ जाता है, गुण बढ़ जाता है। तो तरबूजे के अनेक फायदों का लाभ लीजिए। गर्मी में तरबूजा भगवान का वरदान है, तो वो आपको भी प्राप्त हो। धन्यवाद।